हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से गेस्ट मैं चेंज करने वाला हूँ, तो इसके लिए आप लोग को दिखाती हूँ जो सनफ्लेम का पहले का था बहुत बेटर था। अभी का जो सनफ्लेम का गैस बर्नर है इतना कुछ खास नहीं है। देखिए कैसे ये कर रहे हैं, मैं 10 दिन भी नहीं हुआ यूज़ किया तो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो फिर से चेंज करने के लिए आज जा रही हूँ। देखिए क्या क्या डिफेक्ट है। एक बर्नर पे मैं काम करती हूँ तो दूसरे बर्नर जैसे ही मैं ऑन करती हूँ ना, धप धप कर रहे हैं, तो डर लगता है और कुछ नहीं। और ऊपर से ना ऐसे देखिए, ये बर्नर में मैं कुछ रखा ना तो साइड से जल रहा है और बराबर सेटिंग भी बराबर नहीं है। और ये सब जो ये है ऊपर का स्टैंड है वो भी बहुत फील है, तो पकड़ बैठाने के बाद थोड़ा गिरने को ऐसे लग रहा था। तो मैं आज फाइनली सोच ही लिया मुझे ये गैस बर्नर चेंज करने का ही है। और देखिए एक साथ तीनों बर्नर में जो गैस का लाइन है, पाइप लाइन है, वो शायद बराबर नहीं है, क्योंकि एक दोनों में काम चालू है, तीसरा चला तो तुरंत नहीं गैस ऑन हो रहा है। मीन्स गैस का जो लाइन है वो बराबर नहीं है कनेक्शन, तो इसके लिए तो मुझे चेंज करना ही पड़ेगा। और बीच बीच में ना ऐसे भक भक करके जैसे ज़्यादा गैस कभी कम गैस ऐसे, और जैसे मैं मेरा लाइटर बहुत अच्छा है, जैसे ही मैं ऑन किया 2-3 बार ऑन करने को बाद वो चालू होता है, ऊपर से दप दप करके उठ रहा है, कभी कम कभी ज़्यादा। तो ये तो डिफेक्टेड पीस है, तो चेंज करना ही पड़ेगा। चलो नया पीस ला के आप लोग को भी दिखाती हूँ। देखो वो जो उसमें जो प्रॉब्लम आ रहा था, इसके लिए तुरंत चेंज करके 4 बर्नर का ले लिया। ये मेरा बहुत शौक था, तो मेरा हस्बैंड बोला 3 बर्नर्स नहीं, चलो चेंज कर रहे जब नहीं 3 बर्नर तो यूज किया, अभी 4 बर्नर यूज करो ना, उसमें एक सॉल्व रह जाएगा, तो नया कुछ होगा, नया कुछ आएगा। और ऊपर का ग्लास जो पिक्चर में देख रहे हैं वैसे, चलो ओपन करके, टॉपन ग्लास, हां टॉपन ग्लास, तो आप लोग को ओपन करके भी दिखाती हूं। साथ में ये भी ले लिया मसालादानी, रुक गए दिखाती हूं, एकदम मजबूत। पहले मेरा था तो इधर फट गया था, मसाला आएगा ना, तो हाँ, तो ये बड़ा भी है देखिए कितना अच्छा, और स्टील भी बहुत अच्छा है क्वालिटी, वैसे फुल खानदान का मसाला है। नहीं नहीं, बड़ा रहेगा तो क्या होता है बहुत सारा मसाला रह जाता है बहुत दिन बाद भरेंगे तो। गैस बर्नर देखने गया, ये मुझे चॉइस आ गया, चलो बोला ही ले लिया सब। स्पून और ग्लास वाला ऊपर का जो ये रहता है वो नहीं लिया, क्योंकि स्टील का ये बेटर रहता है। और ये देखिए ये है मेरा मसाला दानी। चलो अभी बर्नर ओपन करके देखा था, लेट्स स्टार्ट। इधर कट इधर इधर भी लगा, नहीं नहीं पिन नहीं है, हाँ ये कट कर दो, रस्सी बांध के रखा ना, तो पूरा टेबल कवर कर दिया पूरा। 4 बर्नर है ना इसके लिए। कनेक्शन कर लेता हूँ, अभी एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए एक क्लिप लगा लेता है, बस हो गया।
अभी बर्नर को मैं पूजा कर लेती हूँ। हम लोग स्वस्तिक चिन्ह लगाते हैं ना, अच्छा लगा लेते और चावल देखे दिया। जय बाबा विश्वकर्मा। अभी बर्नर चालू करने का, नया बर्नर ओपनिंग कर रहा हूँ। पहले सिलेंडर ऑन कर दिया। तो कौन सा बर्नर चालू करो? कौन सा भी करो, चारों ही करो। ये फर्स्ट का और ये दोनों दो साइड का, कहाँ का है उधर का, देखो ये वो साइड का, ये फर्स्ट का हो गया, ये फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड और ये फोर्थ। ओके अभी स्टॉप कर देता हूँ, बस हो गया शुरू। चलो अच्छा अच्छा खाना, ओपनिंग सेरेमनी खत्म। अच्छा अच्छा खाना बना ले, चाय बना के दे पिला। ओके ओके चलिए। ये मेरा गैस का फोर बर्नर जो मेरा बहुत दिन से शौक था, तो आज फाइनली मेरे घर पे आ ही गया। चलिए इसके ऊपर अभी बहुत सारा वीडियो बनाऊंगी, किचन में मैं खाना बनाती हूँ तो 25 मिनट में से बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा है। इधर बन रहे मिल्क वाला चाय, इधर मिल्क दूध गर्म कर रही हूँ और इधर बटनी की सब्जी बनाऊंगी। तो डायरेक्ट मैं ऐसे ही बनाती हूँ, पहले मसाला फ्राई कर लेती हूँ, फिर ड्राई मसाला देके और ऐसे जो ग्रीन कलर का हरे मटर आते हैं ऐसा सब्जी बनाऊंगी। तो अभी तीन बर्नर चालू हो गया, एक बर्नर में मैं रोटी बनाऊंगी, आटा भी गूंद के रखा, एक साइड पे चाय दूध गर्म हो रहा है, इधर मुझे बटाने की सब्जी उधर ट्रांसफ़र कर दिया, ये है मेरा रोटी। ये है ग्रीन चिली, ग्रीन चिली लाते कैसे स्टोर करती हूँ आप लोग को साथ शेयर करती हूँ। देखिए ये है ग्रीन चिली, ग्रीन चिली को ऐसे पहले से मैं इसको वॉश करके सुखा के रखा, अभी ऐसे ऊपर का जो स्टेम रहता है वो निकाल के और एक एयर टाइट डब्बा भी ले लिया और टिश्यू पेपर भी ले लिया। तो कैसे मैं स्टोर करती हूँ और 2 मंथ तक बहुत ही इजी से, जब तक आप लोग को मिर्ची नहीं ख़त्म होगा कुछ ख़राब नहीं होता, बहुत ही अच्छा रहता है। और बीच में आप लोग को लगे टिश्यू पेपर गीला हो गया तो आप तुरंत टिश्यू पेपर को चेंज करके, जैसे देखिए ये थोड़ा ख़राब है तो ये साइड में रख लूँगी, वो पहले ही यूज़ कर लूँगी, पहले सारे स्टैम निकल लेती हूँ। तो ऐसे निकल के क्लीन कर लिया, ओके ना, अभी जो एयर टाइट डब्बा है ना ऐसे रख के ऐसे जो हम लोग एक्स्ट्रा ऑयल सोप करने के लिए जो टिश्यू पेपर रहते हैं वही टिश्यू पेपर ले लिया और डब्बे के अंदर ऐसे पहले रख लेती हूँ अच्छी तरह से, और सारे ग्रीन चिली ऐसे स्टोर करके। और दूसरा और एक टिश्यू पेपर से ऐसे ढक के ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे कर देने का
ऐसे स्टोर करके 2 महीने तक आप लोग रख सकते हैं। चलिए दूसरा हैक्स दिखाती हूँ। ये है जिंजर। जिंजर मैं जब भी मार्केट से लाती हूँ तो ज़्यादा ही लेती हूँ। पहले मैं इसको अंदर बहुत ही मिट्टी रहता है तो अच्छी तरह से वॉश करके और अच्छी तरह से क्लीन कर लेने का, थोड़ा थोड़ा पानी रह गया था तो वो भी एक कॉटन का कपड़ा से पोंछ के रेडी किया। अभी एक एयर टाइट डब्बा ले लिया, साथ में सेम ऑयल टिश्यू पेपर लेने का और ऐसे अच्छी तरह से एक कंटेनर में जितना आए उतना ही स्टोर कर लेने का। सारे आए थे ऐसे भर के और टिश्यू पेपर से अच्छी तरह से एक कर देने का और लीड लगा लेती हूँ। ऐसे स्टोर करके जिंजर को भी 2 महीने तक आप लोग स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी चाहिए ऐसे टिश्यू पेपर निकालने का और साइड से एक एक करके जिंजर निकालने का। थर्ड सेट है नींबू। नींबू कैसे स्टोर करके ज़्यादा दिन तक रख सकते हैं तो मैं क्या करती हूँ, एक पहले धो के और पोंछ के रेडी किया। अभी एक टिश्यू पेपर ले लेती हूँ। टिश्यू पेपर लेके ऐसे सिंपल ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे रख के ऊपर से और एक टिश्यू पेपर देके ऐसे रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं बट इससे ज़्यादा प्रोटेक्टेड होता है। देखिए ऐसे भी पहले मैं ऐसे रखते थे तो उसमें ज़्यादा दिन नहीं रख सकते थे, 2 महीने तक नहीं रखते थे तो अभी ज़्यादा बाहर जाने को नहीं मिल रहा है और बहुत सारा एक साथ एक करके रखने का स्टोर करके तो मार्केट एक दिन जाके बहुत सारा लेके आया तो ज़्यादा दिन कैसे चले 2 महीने तक। तो एक एक टिश्यू पेपर का ऐसे छोटा छोटा कट करके ऐसे लपेट लेने का, जितना चाहिए आपको, एक चाहिए तो एक टिश्यू पेपर से ऐसे निकाल के आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोग को पास टिश्यू पेपर नहीं रहेगा तो आप लोग ऐसे नॉर्मल जो पेपर रहता है ना, ऐसे पेपर वेस्टेज पेपर न्यूज़ पेपर आते हैं ना, ऐसे करके भी आप लोग स्टोर करके रख सकते हैं। तो सारे नींबू को मैं ऐसे तो जब भी चाहिए आपको एक एक करके ऐसे लेके देखे ऐसे टिश्यू पेपर नहीं तो न्यूज़ पेपर से रख के और ये डबल प्रोटेक्शन हो जाता है तो और ज़्यादा दिन यूज़ में ले सकते हैं। और जैसे नींबू पहले रहता है ना उस दिन ऐसे ही लास्ट तक आप यूज़ कर सकते हैं, है ना। बहुत ही यूज़फुल टिप्स। शाम को आलू प्याज का कचौरी बनाऊंगी, इसके लिए पहले डो बना लेती हूँ और स्टफिंग के लिए आलू प्याज का कचौरी, तो आलू और प्याज का जो स्टफिंग होता है मसाला डाल के बना लेती हूँ। तो डिटेल्स वीडियो मैं नहीं बता रही हूँ क्योंकि उस किचन में डिटेल्स मिल जाएगा, वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है, इसके लिए मैं फास्ट फॉरवर्ड करके आप लोग को दिखा रहा हूँ। अभी फ्राई कर लेती हूँ। कितना क्रिस्पी बना वो तोड़ के भी दिखाती हूँ। स्टफिंग भरा लिया है और बहुत ही क्रिस्पी बना है। आज बनाया आलू प्याज का कचौरी, फूली फूली जैसे मार्केट में मिलता है ना एकदम ऐसे। देखिए बनाते बनाते थोड़ा बहुत हम लोग को टेस्ट हो गया, बहुत ही अच्छा लगता है। चलो मिस्टर भी आ गया, सर्विंग कर दो अभी तो अभी सबको दो करके बेटी तो मिर्ची नहीं खाएगा। पुली पुली मेरे बेटे को भी चलो ये साइड में रख देती हूँ। चलो हम लोग कचौरी के साथ एंजॉय करते हैं। एंजॉय करो मुनी।
पहले टेस्ट करके देखो। चलो रुकिया कर रही पहले मिर्ची भी खा। नहीं बाबू मैंने खाया। चलो टेस्ट करो। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी। टोमेटो सॉस के साथ